अर्थ दोस्तों, मैं हूँ नरुतो उज़ुमाकी और आज मैं दोबारा से लेके आ गया हूँ एक और रैम चैलेंज। और ये वाला रैम भी मैंने खुद ही बनाया है। अरे अच्छा तो नरुतो, तुमने हमें बुलाया है? अरे यार हाँ फ्रैंकलिन, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। और ये वाला रैम बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। ओ यार अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तू हमको रैम दिखा दे सबसे पहले। आ ए भैया, हाँ आपने बिल्कुल ठीक बोला नरुतो, हमें जल्दी से रैम दिखा दो। और यार पुलिस की वर्दी शेर कर दो, मुझे क्यों गिराया? अरे हाँ, और मुझे भी तुमने गिरा दिया। अरे यार वो मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ अपना रैम दिखाने के लिए। अरे अच्छा ठीक है, अभी ज्यादा एक्साइटेड मत हो और हम लोगों को जल्दी से अपना रैम दिखा दो। अरे यार फ्रैंकलिन, ये रैम कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया है। अभी मैं तुमको आराम से रैम दिखा सकता हूँ, तो तुम लोगों को यहाँ पे आग के ऊपर से जाना होगा। ओ यार ये तू क्या बोल रहा है, लगता है तू पागल हो गए। हम लोग आग के ऊपर से कैसे जाएंगे? ए भैया हाँ, हम लोग आग के ऊपर से कैसे जाएंगे? अरे यार अब तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग रैम चैलेंज में आ चुके हैं। अरे यार तुम लोग यहाँ पे बात करना बंद करो, तो यहाँ पे तुम्हें 3 दरवाजे मिलेंगे, तुम्हें किसी एक से जाना है और किसी एक से ही तुम यहाँ पे आ सकते हो। फिर तुम्हें दोबारा से आग के ऊपर से चलना होगा, पर इस बार तुम लोगों को अपने पैर चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम यहाँ पे लकड़ी के ऊपर भी चल सकते हो। अरे यार नरुतो ये क्या, तुम तो यहाँ पे आग पे आ गए। अरे यार मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया है। फिर यहाँ पे आग से निकलने के बाद तुम यहाँ पे आओगे और यहाँ से तुम्हें किसी भी चीज से टच नहीं होना है। और अगर तुम किसी भी चीज से टच हुए तो फिर तुम्हारे साथ में जो होगा वो तो मैं भी नहीं बता सकता। अरे अच्छा, और तुम लोगों को जीतने के बाद मिलेंगे पूरे 300 करोड़ रुपए। अरे क्या 300 करोड़ रुपए? अरे यार हाँ, तो क्या तुम लोग तैयार हो रैम चैलेंज करने के लिए? ओ यार सबसे पहले रैम चैलेंज मैं करूंगा। 300 करोड़ रुपए मुझे चाहिए। अरे यार तुम नहीं बताओगे कि सबसे पहले रैम कौन करेगा, ये चीज सिर्फ मैं ही बताऊंगा। ओ यार अच्छा, ओ यार तो मुझे बे सबसे पहले। अरे यार चुप करो। अरे यार तो तुम लोगों के पास में आ गया है नरुतो उज़ुमाकी। ओ यार वो सब हमको बता, तू ये बता तू सबसे पहले किसको भेजेगा? अरे मैं तुम्हें तो बिल्कुल नहीं भेजूंगा, तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले भेजने वाला हूँ मोटू और पतलू को। और एक बात और जान लो कि तुम्हें ये वाला रैम चैलेंज साइकिल से पार करना है। ओ यार अच्छा। ए भैया मुझे तो लगा था हमें पैदल पार करना है। अरे यार हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था। अरे यार तुम लोग अपनी गलत फहमियों को दूर करो, तो बताओ यहाँ पे सबसे पहले कौन जाएगा? ओ यार मुझे भेज मुझे। अरे यार बोला ना तुम सबसे पहले नहीं जाओगे, मुझे यहाँ पे किसी और को भेजना पड़ेगा, तो मैं भेजूंगा यहाँ पे सबसे पहले मोटू और पतलू को। अरे बड़े भैया हम। अरे मोटू चलो सबसे पहले हम ही चलते हैं, हमें यहाँ पे 300 करोड़ रुपए जीतने का मौका मिल रहा है। अरे बड़े भैया पतलू ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइकिल लेके आता हूँ। अरे मोटू चलो हमें यहाँ पे 300 करोड़ रुपए भी जीतने हैं। अरे बड़े भैया ठीक है, पर यहाँ पे आग के ऊपर से कैसे आऊँ? अरे यार मोटू क्या कर रहे हो, आग के साइड से निकालो। अरे बड़े भैया ठीक है, अभी लगता है हम लोगों को यहाँ पे जंप करनी होगी। अरे मोटू हमें उस दीवार के पार भी जंप लगानी है, तो थोड़ा पीछे से लेके आओ साइकिल को। अरे बड़े भैया ठीक है, पर तुम विश्वास रखना मेरे ऊपर। अरे मोटू मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। अरे यार ये क्या, तुमने तो यहाँ पे दीवार को पार कर दिया। अरे यार हाँ बड़े भैया, पर यहाँ पे मैं किस वाले गेट में जाऊँ? अरे यार मोटू किसी में भी चले जाओ। अरे यार मुझे तो यहाँ पे सारे गेट एक जैसे ही लग रहे हैं। अरे बड़े भैया बदलू ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ। अरे यार मोटू ये क्या, ये तो बंद है। अरे बड़े भैया हाँ चलो वापस चलते हैं। अरे यार तुमको वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वेनम तुम्हारे पास में आ गया है। अरे यार अभी तुम लोग बाहर आ जाओ क्योंकि मैं हूँ वेनम और मैं वेनम पुल का दोस्त हूँ। अरे बड़े भैया तो फिर हम क्या करें? अरे यार वेनम से जबान लड़ाते हो, जो लोग भी यहाँ पे गलत गेट में घुसेंगे उनको वेनम नहीं छोड़ेगा। अरे अरे बड़े भैया मुझे छोड़ दो। अरे ये ले छोड़ दिया, आ गया मजा। अरे मुझे भी छोड़ दो। अरे यार तुझको भी छोड़ दिया, और छोड़ू क्या? अरे यार नहीं हमको प्लीज पकड़ो ही मत। अरे यार मैंने यहाँ पे नरुतो से बहुत सारे जुस्सू सीखे हैं, उन सब का इस्तेमाल आज मैं तुम्हारे ऊपर करने वाला हूँ। वेनम की पावर और नरुतो के जुस्सू मिलके बहुत ही खतरनाक बन जाते हैं, समझ में आई क्या? तुम्हारी बात समझ में आई क्या? अरे यार हाँ समझ में आ गई। अरे यार वाह वाह मजा आ गया, मेरा दोस्त वेनम लोगों को पीट रहा है पर वो मुझे नहीं पीटेगा। अरे दोस्तों वैसे तो ये वेनम को हर बार भूल जाता है, आज इसको वेनम याद है। अरे यार फ्रैंकलिन तुम चुप करो और डेडपूल तुम जल्दी से आगे बैठो। अरे यार हाँ हाँ भैया मैं बैठ गया। अरे यार ठीक है तो चलो। अरे यार भैया ये क्या कर रहे हो, मेरी पिछवाड़ी में आग लग जाती है अभी। अरे यार डेडपूल तुम भी ना ठीक से खड़े नहीं हुए। अरे यार भैया आप जंप करने पे फोकस करिए। अरे यार ये क्या, अरे यार मैं तो गिर गया। अरे यार भैया आपको साइकिल चलानी नहीं आती क्या? अरे यार तुम अपने भैया को सिखाओगे साइकिल चलाना? अरे यार भैया सॉरी। अरे यार तो ये देखो मैंने यहाँ पे जंप लगा दी
और मैं यहाँ पर लैंड भी हो गया। और वेनम मेरे दोस्त कैसे हो तुम? अरे यार मैं तुमको याद हूँ। अरे यार हाँ, तुम्हें कौन भूल सकता है दोस्त। अभी मैं किसी भी दरवाजे में चले जाऊंगा, मुझे तो वेनम पीटेगा ही नहीं। अरे यार तो यहाँ पे चलता हूँ। अरे ये क्या, ये तो बंद है। अरे यार भैया अब क्या करें। अरे यार घबराने वाली कोई बात नहीं है, वेनम मेरा दोस्त है। अरे हाँ वेनम तो तेरा दोस्त है, पर मैं तो ना हूँ ना तेरा दोस्त, मैं तो पीटूंगा। अरे यार भैया बचाइए। अरे यार मैं क्या करूँ। अरे यार वेनम आके मुझे बचाओ, मेरे पास में मेरी पावर्स नहीं है। रैम चैलेंज होने से पहले मेरी पावर्स ले ली गई थी। अरे यार मैं कुछ नहीं कर सकता, ये नरूटो सर के ऑर्डर है। अरे मुझे बहुत सारे पैसे मिले हैं। अरे यार वेनम कुछ पैसों के लिए तुमने अपने दोस्त को पिटने दिया। डोरेमोन तो डोरेमोन चला, अभी मैं और तुम चलते हैं डोरेमोन। अरे हाँ नुबिता, अरे नुबिता ये क्या कर रहे हो? अरे डोरेमोन क्यों, क्या हो गया? अरे नुबिता ये क्या, तुम तो आग के ऊपर से बड़ी आसानी से निकल रहे। अरे यार हाँ डोरेमोन, मैंने बहुत सारे स्टंट सीखे हैं। अरे नुबिता तुम्हारे स्टंट तो आज बहुत ज्यादा काम आ रहे हैं, तुमने जंप भी कर लिया। अरे हाँ डोरेमोन, और हमको तो पता है कि कौन सा वाला दरवाजा ठीक है, वो वाला दरवाजा तो बेकार है क्योंकि वहाँ पे मोटू और पतलू आउट हो गए थे। अरे नुबिता तुमने बिल्कुल ठीक बोला, अरे ये वाला दरवाजा भी बेकार है, हमें बीच वाले से जाना चाहिए। अरे हाँ डोरेमोन, लेफ्ट वाले दरवाजे में तो वेनम और डेडपूल आउट हो गए थे। अरे यार वेनम नहीं, वेनमपूल। अरे यार हाँ डोरेमोन कुछ भी बोल लो। तो दोस्तों हम तो चले बीच वाले रास्ते से, क्यों डोरेमोन? अरे यार हाँ देखो हम लोग यहाँ से निकल भी आए। अरे यार हाँ अभी हमें आग के ऊपर से जाना होगा, लकड़ियों से होते हुए। अरे यार डोरेमोन क्या, अरे यार डोरेमोन लग गए लग गए। अरे नुबिता यहाँ से हटाओ, जल्दी से पानी की तरफ ले चलो। अरे डोरेमोन ठीक है दोस्तों, मेरे पिछवाड़े में बहुत ज्यादा जलन हो रही है। अरे नुबिता ये क्या बोल रहे हो, जल्दी यहाँ से ले चलो। अरे डोरेमोन पर इतनी भी नहीं हो रही है, अभी मैं निकल सकता हूँ। अरे डोरेमोन ये क्या, अरे यार डोरेमोन बत्तीस हो गई। अरे नुबिता ये क्या कर रहे हो तुम? अरे डोरेमोन ये साइकिल वहाँ पे आग के ऊपर चलती नहीं है, वहाँ पर रुक जाती है, या साइकिल ही खराब है? अरे यार तुम लोग कहाँ पे भाग रहे हो? अरे हमसे कुछ मत बोलो, हमको जाने दो। अरे यार ये क्या, मुझे गिरा दिया। अरे नुबिता जल्दी चलो पानी में। अरे ठीक है डोरेमोन, दोस्तों हम लोगों को जल्दी से पानी में जाना होगा। अरे नुबिता चलो। अरे यार ये क्या। ओ यार दोस्तों तो अभी मैं और मुन्ना जा रहे हैं। क्यों मुन्ना? ए भैया हाँ, वो 30 करोड़ रुपए हमें ही जीतने हैं। अरे यार वो 30 करोड़ रुपए नहीं, 300 करोड़ रुपए हैं। ओ यार हाँ हमको पता है। ओ यार मुन्ना तू भी ना पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। ओए तो ये देख मैंने यहाँ पे जंप लगा दी आ, और मुझे पता है बीच में से निकलना है। और ये देख मैंने यहाँ पे भी जंप लगा दी। ओए ओ यार ये क्या। ओ यार दोस्त लग गए। ओ यार मैं यहाँ पे फेंस में फंस गया और मुन्ना तू का चला गया। हे भैया आप ऊपर कैसे चले गए? अरे यार मैंने तो पहले ही बोला था यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तुम अभी ऊपर ही रहो। ओ यार नहीं नहीं, ओए मुझे कोई नीचे उतारो। दोस्तों अभी तक यहाँ पे फिनिश लाइन पे कोई भी नहीं पहुँच पाया है, और आपने गैस चेक की तो हालत देखी ही कि जैक की क्या हालत हुई है। और गैस अभी तो बस लिटिल सिंगम और की को रह गए हैं। और यार प्लीज की वल्दी शेर कदम, हम लोग तो इस वाली रैम चैलेंज को बड़ी आसानी से पार कर लेंगे। अरे यार हाँ तो चलो लिटिल सिंगम जल्दी से साइकिल ले आओ। अरे यार हाँ मैं यहाँ पर साइकिल ले आया हूँ। और दोस्तों आप लोग आँख खोल के देखना और कान भी खोल के सुनना कि मैं यहाँ पे कैसे जीतता हूँ। अरे हाँ हाँ देखते हैं देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिटिल सिंगम ने जंप तो लगा दी है, और गाइस यहाँ पे लैंड भी हो गया है, और गाइस बीच वाले डोर से निकल भी गया है। अरे यार हाँ, और ये देखो मैंने यहाँ पे इसको भी पार कर लिया। अरे दोस्तों वाह, इसने तो यहाँ पे आग को भी बड़ी आसानी से पार कर लिया, मतलब कि गाइस लिटिल सिंगम यहाँ पे जीत सकता है। अरे यार की को मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आगे हमें क्या करना है। अरे लिटिल सिंगम तुमने बॉम्ब के ऊपर गोलियां चला दी, यहाँ पे सारे बॉम्ब फट रहे हैं, अभी हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा। अरे यार तो भागो ना। अरे यार लिटिल सिंघम भाग के तुम जाओगे कहाँ पे? अरे यार ये क्या कॉल? अरे यार हाँ मैं आज मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। अरे यार नरूटो ने कॉल को भी यहाँ पे बुलाया है। अरे यार हाँ, और नरूटो मुझे पूरे 50 करोड़ रुपए दे रहा है। अरे नरूटो तुमने इन सारे विलन्स को क्यों बुलाया है? अरे विलन की वजह से ही तो ये रैम बहुत ज्यादा एक्साइटिंग बन रहा है। अरे तुम्हारे रैम के चक्कर में यहाँ पे लिटिल सिंघम और कीको पिट रहे हैं। अरे यार फ्रैंकलिन मुझे बचाओ। अरे यार कीको मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों यहाँ पे कॉल ने लिटिल सिंघम और कीको को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पीटा है। अरे यार लिटिल सिंघम को तो मैंने यहाँ पे फेंक दिया, पर तेरा क्या होगा कीको? अरे यार मुझे कोई बचाओ। अरे यार तो फ्रैंकलिन आखिर में तुम ही बचे हो, और मैं भी तुम्हारे साथ में ही चलूंगा, तो मैं यहाँ पे साइकिल लेके आता हूँ। अरे अच्छा नरूटो, तो क्या मुझे ये रैम सच में करना होगा? अरे यार हाँ फ्रैंकलिन। अरे चलो फिर ठीक है, तो नरूटो तुम यहाँ पे बैठ जाओ। दोस्त मैंने यहाँ पे सेफ्टी के लिए हेलमेट भी लगा लिया है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा हेलमेट का मेरे पास में स्टॉक रहता है। और दोस्त मैंने यहाँ पे दीवार को भी पार कर लिया है। अरे यार वाह फ्रैंकलिन, लगता है तुम स्टंट करने में माहिर हो। अरे यार हाँ, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता होगा कि फ्रैंकलिन एक प्रोफेशनल
तीनों स्टंटमैन हैं। अरे यार तुम गैंगस्टर भी हो स्टंटमैन भी हो, सारे काम कर रखे हैं क्या तुमने? अरे कुछ ऐसा ही समझ लो। और दोस्तों अभी मुझे यहाँ पे नारुतो को अपनी पीठ पे बिठा के यहाँ पे एकदम बैलेंस बना के चलना होगा। अरे यार मुझे नीचे मत गिरा देना क्योंकि अभी मेरी पावर्स एक्टिवेट नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो दोस्तों, यहाँ पे आराम आराम से मुझे नारुतो को ले जाना होगा। अरे नारुतो तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? अरे यार नारुतो गॉड ऑफ शिनोबी है, नारुतो किसी से भी नहीं डरता। अरे हाँ ठीक है ठीक है दोस्तों, कभी कभी नारुतो को ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। पर गाइस चलो कोई बात नहीं, अभी मुझे एकदम पेशेंस के साथ में यहाँ पे आराम आराम से चलना होगा। अरे यार फ्रैंकलिन थोड़ा भी अगर तुम इधर उधर हुए तो हम दोनों का कबाब बन जाएगा। अरे यार तुम चिंता मत करो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लगभग कर ही लिया और दोस्तों मैं यहाँ पे आ भी गया। तो नारुतो कैसा लग रहा है तुम्हें? मैंने यहाँ पे इस वाले ऑब्स्टिकल को भी पार कर लिया। अरे यार फ्रैंकलिन मैंने जितना सोचा था तुम उतने कमजोर नहीं हो। अरे यार तुमने मुझे कमजोर सोचा था? मैं बिल्कुल भी कमजोर नहीं हूँ। और दोस्त मुझे लगता है इस बॉल के साथ में हमें कुछ करना है। अरे यार हाँ इस बॉल को अपने साथ में ही ले जाना है। अरे अच्छा दोस्त मैं यहाँ पे बॉम्ब्स के साथ में छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करने वाला क्योंकि गैस मुझे नहीं लगता अगर यहाँ पे बॉम्ब फटे तो हम दोनों बचने वाले हैं। अरे यार तुमने बिल्कुल ठीक बोला, बॉम्ब से हमें बिल्कुल भी टच भी नहीं होना है। अरे अच्छा पर ये बॉल तो हो रही है, अरे यार जल्दी से भागो। अरे दोस्त लगता है भागना पड़ेगा। अरे नारुतो मैं तो चला। अरे दोस्तों ये देखो मैंने यहाँ पे फिनिश लाइन को पार कर लिया। अरे अल्फा फ्रैंकलिन ये 300 करोड़ रुपए तुम्हारे और मेरे हैं। अरे तुम्हारे कैसे, तुमने तो कुछ किया भी नहीं है। अरे यार तुम्हारे साथ में रैंप चैलेंज पार तो किया है। अरे चलो ठीक है ठीक है। तो दोस्तों मैं और नारुतो इन पैसों को आधा आधा बांटने वाले हैं। और दोस्तों आप लोग हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अरे यार हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।